हमारे किसान भाई फसल लगाने से पहले बहुत ही महंगे महंगे फर्टिलाइजर यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटास, एमोनियम सल्फेट, पर इससे फसल पर कोई असर नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका एक मुख्य कारण है आपके खेत की मिट्टी। अगर खेत में खाद देने के बाद भी फसल में अच्छी उपज नहीं मिल रही है तो मिट्टी का पीएच जरूर चेक करवाएं। इसे आप घर पर ही बहुत कम समय में चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। वह वीडियो देखकर आप मिट्टी का पीएच बड़े आसानी से घर पर ही चेक कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक है या क्षारीय मतलब अल्कलाइन है तो क्या करना चाहिए जिससे कि खेत की मिट्टी उपजाऊ बने और आप कम खर्च में अच्छी पैदावार ले सके। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता पटेल, हमारे YouTube चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी का पीएच क्या होता है। मिट्टी के पीएच को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। नॉर्मल मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.2 तक का होना चाहिए। अगर आपकी खेत की मिट्टी का पीएच यह है तो आपके खेत की मिट्टी अच्छी है। यह पीएच होने पर आप सस्ते और कम से कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको फसल पर उनका असर दिख जाएगा, क्योंकि आपके पौधों इस पीएच पर आसानी से न्यूट्रिएंट अपडेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6.5 से कम है तो यह अम्लीय मिट्टी है यानी कि एसिडिक मिट्टी। पौधे एसिडिक मिट्टी में न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पाते हैं और माइक्रोबायल एक्टिविटी पर भी बहुत ज़्यादा बुरा अफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर है तो यह क्षारीय मिट्टी है यानी अल्कलाइन मिट्टी। यह एसिडिक और अल्कलाइन मिट्टी से क्या नुकसान होता है और इन्हें उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आइए हम बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 6.5 से कम पीएच वाली मिट्टी है तो क्या नुकसान होगा। जहाँ पे जल भराव होता है या बारिश ज्यादा होती है या रासायनिक खादों का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ अम्लीय मिट्टी होने की संभावना होती है और पीएच 6.5 के नीचे आता है। अम्लीय मिट्टी में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की अधिकता के कारण पौधे फास्फोरस और मॉलिब्लेडिनम का अपटेक नहीं कर पाते हैं। ये घुलनशील नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से पौधों की जड़ का विकास नहीं होता है और पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अम्लीय मिट्टी में इसके साथ साथ मैंगनीज, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास जैसे तत्वों की कमी आ सकती है। इससे जड़ से पौधों तक प्राइमरी और सेकेंडरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। अगर आपको सभी पोषक तत्व के बारे में जानकारी एक ही वीडियो में चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो तो उसमें कम से कम 3 साल में एक बार हरी खाद जरूर तैयार करनी चाहिए। हरी खाद से काफी फायदे हो सकते हैं, जैसे पहला फायदा है कि इससे फसल में आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा फायदा है कि ये मिट्टी की पीएच को मेंटेन करता है और तीसरा फायदा ये है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देता है। अब इसके लिए चूने का इस्तेमाल कब और कैसे करना है और खड़ी फसल में इस्तेमाल करना है या नहीं, ये जानना जरूरी है, तो इसके बारे में ध्यान से सुने। अगर आप खड़ी फसल में चूना पाउडर का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है जिससे फसल जलने की समस्या हो सकती है। अगर खड़ी फसल में इस्तेमाल करना है तो बुझे हुए चूने का पानी के साथ उपयोग करना चाहिए और आप खाली खेत में भी चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिट्टी की पीएच 5 से 6 है तो 10 किलोग्राम चूना मिट्टी के साथ मिक्स करके पूरे खेत में दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप खेत की जुताई कर देंगे, मिट्टी को पलट देंगे तो ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उसके साथ भी आप ये दे सकते हैं। और जब तक मिट्टी की पीएच नॉर्मल न हो तब तक आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि अगर 4 से कम पीएच है तो 30 से 35 किलोग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका खेत खाली नहीं है और उसमें फसल लगी हुई है तो आपको चूने के पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मिट्टी जिसका पीएच 7.5 से ऊपर है तो फास्फोरस नाइट्रोजन अपटेक नहीं होगा। यह क्षारीय मिट्टी में नमक यानी सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और जहां पर बारिश नहीं आती है या बारिश कम या ज्यादा होती है या फिर जहां रासायनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वहां भी पीएच बढ़ जाता है। यह क्षारीय मिट्टी में पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और जड़ की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसी मिट्टी का पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्षारीय मिट्टी का पीएच कम करने के लिए उपाय है जिप्सम। जिप्सम अम्लीय और क्षारीय दोनों मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्षारीय मिट्टी में यह सबसे ज्यादा असरदार है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसके फायदे क्या हैं? देखते हैं। खेत में पहले आपको गहरी जुताई करने के बाद जिप्सम डालना है, फिर आपको हल्की जुताई करनी है जिससे मिट्टी में जिप्सम अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर मिट्टी का पीएच 7.2 से 8 तक है तो 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ में डालना चाहिए और अगर मिट्टी का पीएच 8 से ज्यादा है तब कम से कम 200 किलोग्राम जिप्सम डालना चाहिए। और अगर आप इसकी मात्रा बढ़ाकर भी डालेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। जिप्सम फसलों में कैल्शियम और सल्फर देने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच नॉर्मल है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे जड़ों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और जड़ों का विकास अच्छे से होता है। और हाँ, अगर ज्यादा पीएच वाली मिट्टी में नमक यानी सोडियम की मात्रा बढ़ गई है तो उसे भी यह मेंटेन करता है और कैल्शियम और सल्फर की मात्रा अवेलेबल करा देता है। अगर आपके खेत में फसल लगी है और आपकी क्षारीय मिट्टी है तो आपको सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। सल्फेट खाद से पोषक तत्व पौधों को मिल सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा मदद मिल सके। धन्यवाद। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।